हेलो एवरीवन, देखिए मैं आज यहाँ पे बात करूँगा आपके साथ आरएसईबी की यानी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, उसकी 2020 की वैकेंसी जो इस साल एक्सपेक्टेड है, जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपडेट्स की। देखिए इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने नवंबर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसमें ये अपडेट दिया था कि कितनी वैकेंसीज आने के चांसेज है। उस समय हमको लग रहा था कि दिसंबर में ये वैकेंसीज आ जाएगी, लेकिन उसके बाद निकाय के चुनाव आ गए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगा जो अभी 29 तारीख को हटा है, तब लग रहा था कि वैकेंसीज आएगी। लेकिन जिस तरह से अपडेट्स मेरे पास आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों से आए हैं या उनके साथ काम करने वालों से आए हैं, कुछ चीज़ें जो मेरे को पता लगी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्रीफली मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं यहाँ आरएसईबी वैकेंसीज की, जिसकी टोटल 1571 यानी 1571 वैकेंसीज आने वाली है इसी साल, और उसमें इलेक्ट्रिकल की बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 870 वैकेंसीज है, ठीक है, सिविल की भी है, मैकेनिकल भी है, फायर सेफ्टी और भी कई अकाउंट्स वगैरह की वैकेंसीज भी है, अदर देन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। तो इसका डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ अपडेट्स की कि क्या अपडेट है। तो देखिए मैं आपको इसमें चार पांच अपडेट्स है वो आपको बता देता हूँ। पहला अपडेट ये है कि आरएसईबी ने यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने जो ऑफिस है इनका जयपुर ऑफिस यानी विद्युत भवन ऑफिस, उसके अंदर इन्होंने वेरियस एजेंसीज को इनवाइट किया था प्रेजेंटेशन के लिए कि पेपर किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट वो लिखा है, प्रेजेंटेशन बाय वेरियस एजेंसीज टू कंडक्टिंग एग्जाम हैज बीन डन, वो कर लिया इन्होंने, जनवरी में ही खत्म कर लिया था वो इन्होंने, और आईबीपीएस का मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि दोबारा से पेपर बनाए क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी ने बनाया था, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको अपडेट करूंगा कि जो एक वो था कि लास्ट ईयर जो पैटर्न था एग्जाम का 60+40 था, यानी 60 टेक्निकल था, 40 नॉन टेक्निकल था, जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट भी था और जनरल स्टडी वाला पार्ट भी था। अभी जो पैटर्न है वो लास्ट ईयर वाला पैटर्न ही फॉलो होगा, अभी तक जो स्टेटस है वो यही है कि 60% टेक्निकल एंड 40% नॉन टेक्निकल पार्ट ही रहेगा, रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने या कुछ आप कह सकते हैं एजेंसीज ने अप्रोच किया है कि इस पैटर्न को चेंज करके 80+20 कर दिया जाए, यानी 20% राजस्थान की जनरल स्टडी जैसे और स्टेट के एग्जाम्स में होता है और 80% टेक्निकल, क्योंकि ये टेक्निकल वैकेंसीज का एग्जाम है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए अभी कोई अप्रूवल नहीं आया है और कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकला है कि 80+20 रहेगा। हो सकता है कि एंड मोमेंट पे ही पैटर्न चेंज हो जाए 80+20, बट अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि 60 और 40 का रेशियो रहेगा। तो आप लोग जो प्रिपरेशंस करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग करें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। अगला पॉइंट है कि जो नोटिफिकेशन, जैसा मैंने बोला, रिगार्डिंग वैकेंसीज वाज एक्सपेक्टेड इन लास्ट ऑफ जनवरी 2020, ठीक है। अब जो चुनाव की आचार संहिता थी वो भी हट गई है, ठीक है, तो अब 2020 की जनवरी में आया क्यों नहीं लास्ट में। उसका कारण क्या है कि एक्चुअली टीएसपी, जैसा कि आप लोगों को पता है ट्राइबल सब प्लान एरियाज है राजस्थान के अंदर, उनका कुछ कोटा को लेकर डिमांड थी कि उनकी सीट का क्या कोटा रहेगा इन वैकेंसीज के अंदर, और वो केस अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, यानी कोर्ट में केस वो चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इस मंथ लास्ट तक यानी फरवरी लास्ट तक उसका डिसीजन आ जाए और वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2020 के अंदर रिलीज हो जाए लास्ट में, या हो सकता है मार्च फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है ना। तो पूरी पूरे चांसेस है कि ये उस समय नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ जाएगा, ठीक है। वैकेंसी उतनी ही है जितनी मैंने पहले बताई थी, वो सारी चीज़ें वही है, और पैटर्न के लिए मैंने आपको बता दिया 60-40 का है अभी तक, लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते अभी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, जैसा कि मेरी अभी डिस्कशन हुआ है, सारी बातें हुई है, जो प्रिपरेशंस है रिगार्डिंग पब्लिशिंग ऑफ नोटिफिकेशन कंडक्टिंग एग्जाम वैकेंसीज ऑल हैव बीन डन बाय आईटी सेल ऑफ बोर्ड, यानी आरएसईबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपनी सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली है नोटिफिकेशन को रिलीज करने की, बस वेट इस चीज़ का हो रहा है कि कब ये कोर्ट से इस टीएसपी कोटा के ऊपर डिसीजन आए, फाइन। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक्चुअली आरएसईबी का हमेशा से पैटर्न ये रहा है कि जब भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, जिस दिन नोटिफिकेशन निकाला 2-2.5 महीने के अंदर सारी चीज़ करा देंगे, रिजल्ट भी जल्दी निकाल देते हैं और मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। तो बेटर ये है कि मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट डेस्परेट है इस एग्ज़ाम के लिए उनको प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जितनी डिले आप प्रिपरेशन करेंगे उतना ही आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। 2-2.5 महीने के अंदर इलेक्ट्रिकल के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आते हैं, आप खत्म नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और स्टूडेंट के कंपैरिजन के में तो आप अच्छी प्रिपरेशन को
वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बारे में अब आगे जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप लोगों को दूंगा, अभी ऑफिशियल अपडेट्स यही है जो मैंने अभी आज आपसे डिस्कस की है। ओके, थैंक यू।